जुर्म कर जेल में सजा काट रहे कैदियों को सुधारने के लिए कामगार और सुधारात्मक विभाग द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत जुर्म करने वाले हाथों को प्रशिक्षण के माध्यम से हुनर दिया जा रहा है और अब वे अपराध के बारे में न सोचकर जेलों में विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं और अब विभाग द्वारा उनके उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। जुर्म कर जेल में कैद सजायाफ्ता कैदियों को सुधारने के लिए कामगार और सुधारात्मक विभाग द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत जुर्म करने वाले हाथों को प्रशिक्षण के माध्यम से हुनर दिया जा रहा है और अब वे अपराध के बारे में न सोचकर जेलों में विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं और अब विभाग द्वारा उनके उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी निपुण हाथों ने बनाया है, जिससे ये बात साबित होती है कि अगर अपराधियों को सही दिशा मिले तो उन्हें अच्छे रास्ते पर डाला जा सकता है। सोलन नगर परिषद में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ एसपी मधुसूदन शर्मा ने किया। एसपी मधुसूदन शर्मा और AC2DC भानु गुप्ता ने बताया कि कैदियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें नाहन कंडा कैथो सोलन के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। प्रदर्शनी में हिमाचली टोपी, शॉल्स, मफलर, फर्नीचर, बेकरी के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बेहद उत्तम किस्म के उत्पाद हैं जो बाजार से बेहद सस्ते हैं। आज यहाँ पर सोलन में म्यूनिसिपल कमेटी के हाल में कारागार निदेशालय एवं सुधारात्मक सेवाएँ विभाग की तरफ से एक कारागार के जो निवासी हैं उनकी तरफ से बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ के उत्पाद बहुत ही बढ़िया किस्म के हैं और कारागार विभाग ने इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगा के हिमाचल प्रदेश में कारागार में जो यहाँ के इनमेट्स हैं वो कितना बढ़िया काम करते हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। हिमाचल का जो कारागार विभाग है पूरे भारत में उसने अपना नाम बनाया है और अग्रणी है। इस निदेशालय को बहुत से पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं जो कि काबिले तारीफ हैं और आज यहाँ का जो प्रदर्शनी का मैंने उद्घाटन किया है उसमें उत्पाद देखे हैं, वो उनमें जो कारागार के निवासी हैं उन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शन किया है बहुत अच्छे उत्पाद बनाए हैं। इनके रेट्स जो हैं, इनका जो दरें हैं वो मार्केट रेट से कम है, इसलिए मैं सोलन के निवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि इस प्रदर्शनी में आएं और अपनी पसंद के सामान खरीदें और चुनें। मेन मोटिव ये है कि जो हमारे कारागार के निवासी हैं वो अपने आप को ये ना समझें कि वो किसी चीज के काबिल नहीं है, किसी काम के योग्य नहीं रहे हैं। उनको एक तरह का आत्मविश्वास हो जाता है और जो बाहर हमारे नागरिक हैं उनके उत्पादों को खरीद सकते। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।